जहां एक और देश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जागरूकता अभियान चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को मतदान केंद्र तक जाने के लिए तरह तरह से प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन कड़ी धूप के कारण सारे अभियान धरे के धरे रह जा रहे हैं। इस बीच यूपी के एक गाँव ने ऐसी मिसाल पेश की है कि लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल ललितपुर के मेहरोनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गांव सोमदा के मतदाताओं ने दोपहर 1 बजे तक 100% मतदान कर नजीर पेश की है। खास बात यह रही कि गांव का एक युवा बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर मतदान करने आया। इसके अलावा ललितपुर के 2 अन्य गांवों में भी 100% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को झांसी ललितपुर में हुए मतदान के दौरान जहां एक और जगह जगह मतदान बहिष्कार की खबरें आई, तो वहीं मेहरोनी विधानसभा क्षेत्र के गांव सोलदा में आदिवासी बाहुल्य मतदाताओं ने दोपहर 1 बजे ही 100% मतदान कर दिया। गाँव के प्राथमिक विद्यालयों में बने बूथ संख्या 277 पर 375 मतदाता थे। इनमें 198 पुरुष और 177 महिला वोटर शामिल थे। सुबह से ही मतदाता बुंदेली परिधानों में नाचते गाते मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक यहां 374 मतदाताओं ने मत का प्रयोग कर लिया। पीठासीन अधिकारी ने जब सूची देखी तो पता चला कि गांव के एक युवा शेर सिंह यादव ने वोट नहीं डाला। पीठासीन अधिकारी ने मतदाता की तलाश कराई तो पता चला कि वह बेंगलुरु से आ रहा है और रास्ते में है। दोपहर 1 बजे शेर सिंह यादव ने केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला और यहां 100% मतदान हुआ। शेर सिंह यादव ने बताया कि प्रशासन और प्रधान की ओर से उसको बार बार मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सोमवार सुबह उन्होंने बेंगलुरु से भोपाल के लिए फ्लाइट पकड़ी और सुबह 9 बजे भोपाल पहुंचे। भोपाल से कार के जरिए वह दोपहर में गांव पहुंचा और मतदान किया। वहीं डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधान और अधिकारियों के प्रयास से सफलता मिली है। गांव सोलदा के मतदाताओं ने नजीर कायम की है। बहरहाल ऐसे समय में जब कुछ लोग 45-47 डिग्री की भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और अपनी समस्याओं के लिए मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में यूपी के इस गांव के मतदाताओं ने एक मिसाल कायम की है। खैर, इसमें गांव के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, साथ ही प्रशासन ने भी उनका साथ दिया है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।